हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईपीएल चैंपियंस पर, आपका एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें और रोमांचक खबरें और सबसे ज़्यादा गहराई से जुड़ी जानकारियां, चाहे वो मैच के हाइलाइट्स हो, किसी प्लेयर्स की बायोग्राफी हो, मैच का विश्लेषण हो या पोस्ट मैच की चर्चा। आईपीएल चैंपियंस पर आपको सब कुछ मिलेगा। आईपीएल के हर छक्के चौके और हर विकेट को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। हमारा एम है आप तक पहुंचाना सबसे सटीक और मनोरंजक क्रिकेट जानकारी, ताकि आप अपने पसंदीदा खेल का आनंद उठा सके, आईपीएल के हर सीजन की गहराई में जा सके। यदि आप एक आईपीएल फैन हैं तो आईपीएल चैंपियंस आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की जानकारी, बैक स्टेज की जानकारी और सभी इनसाइड स्टोरीज जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप रहना चाहते हैं अपडेट, देखना बेहतरीन क्रिकेट मैचेस का एनालिसिस और समझना खेल की बारीकियों को, तो आईपीएल चैंपियंस आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात का है, शुरू करते हैं आज की इस एक्साइटिंग वीडियो को। धर्मशाला के खूबसूरत मैदान में खेला गया आखिरी टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए यादगार रहा। भारत ने इंग्लैंड को पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में पारी और 64 रन से हरा दिया। धर्मशाला में खेला गया मुकाबला 3 दिन में ही खत्म हो गया। भारत की पहली इनिंग आज ही पहले सेशन के दौरान समाप्त हुई थी। पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 218 रन बनाए थे, जवाब में भारत की पहली इनिंग 477 रन पर खत्म हुई थी। इस तरह टीम इंडिया को 259 रन की लीड मिली थी। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग 195 रन पर ही सिमट गई। भारत ने पारी और 64 रन से जीत हासिल की। कुलदीप को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट लिए थे। इसके बाद भारत की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह के साथ 49 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप निभाई थी। वहीं यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। उन्हें 2.5 लाख का चेक मिला। यशस्वी ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने इस सीरीज में 712 रन बनाए हैं। आज इंग्लैंड की दूसरी पारी 195 रन पर सिमट गई। अश्विन ने जैक क्राउली 0 रन, बेन डेकेट 2 रन और ओली पॉप 19 रन को आउट कर इंग्लिश टीम के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया। इसके बाद कुलदीप यादव ने जॉनी ब्रेस्टो को LBW किया, वह 39 रन बना सके। फिर अश्विन ने बेन स्टोक्स 2 रन और बेन फॉक्स 8 रन को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को 2 और झटके दिए। जसप्रीत बुमराह ने टॉम हार्टले 20 रन और मार्क रूट 0 रन को आउट किया। जडेजा ने शोएब बशीर को 13 रन और कुलदीप ने जो रूट को पवेलियन भेज इंग्लैंड की पारी को समेट दिया। रूट ने 12 चौके की मदद से 84 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अश्विन ने 5 विकेट लिए। वहीं बुमराह कुलदीप को 2-2 विकेट मिले, जडेजा को 1 विकेट। दोस्तों, इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे रविचंद्रन अश्विन को का प्रदर्शन शानदार। उन्होंने पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 5 में वह भारत की ओर से टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। कुंबले ने 35 बार ऐसा किया था। अश्विन अपने पहले और 100वें टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले पहले। इसके अलावा रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी शतकीय पारी खेली। टीम इंडिया को पहले ही टेस्ट में हार मिली थी, लेकिन उसके बाद रोहित एंड कंपनी ने जबरदस्त वापसी करते हुए बाकी के 4 मैच जीत लिए हैं। भारत ने तीसरी बार टेस्ट सीरीज में 4 मैच जीते हैं और इससे पहले टीम इंडिया ने 2012-13 में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से और 2016-17 में इंग्लैंड को 4-1 से। वहीं अश्विन ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लेने के मामले में इंग्लैंड के प्रूफ फास्ट बॉलर सर रिचर्ड हेडली की बराबरी की। अब अश्विन से ज़्यादा बार पारी में 5 विकेट लेने के मामले में शेन वॉन 37 बार, श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन 67 बार आगे हैं। अश्विन ने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए थे और इस टेस्ट में कुल मिलाकर उन्होंने 9 विकेट लिए। इतना ही नहीं, वे 2019 में शुरू हुई विश्व चैंपियनशिप चक्र में सबसे इनिंग में 5 विकेट लेने के ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन लियोन के रिकॉर्ड। लियोन ने 10 बार ऐसा किया है और अश्विन भी WTC में अब इनिंग में 5 विकेट। धर्मशाला में टेस्ट मैच जीतते ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों की बराबरी की है। दरअसल दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद अब तीनों ही टीमों ने जबरदस्त वापसी करते हुए बाकी के 4 मैच जीते हैं। कुल मिलाकर ऐसा 4 बार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा 2 बार किया है और इंग्लैंड और इंडिया ने 1-1 बार किया है। इस सीरीज से पहले पिछली बार 112 इंग्लैंड ने
ऐसा किया था। उन्होंने उसी 1912 में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मुकाबला गंवाने के बाद इंग्लिश टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए 4 मुकाबले जीते थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा 1897-98 और 1901-02 में किया था। तो दोस्तों ये तो बहुत पुरानी, इंडिया ने होम ग्राउंड पर लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज जीती है जो कि एक रिकॉर्ड भी है। जीत का यह सिलसिला 22 फरवरी 2013 से अब तक जारी है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने 1994 से 2001 तक अपने घर में 10 टेस्ट सीरीज। भारत ने 7वीं बार टेस्ट में 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम, कप्तान स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकलम के साथ आने के बाद इंग्लैंड की ये पहली टेस्ट सीरीज। भारत ने बेसबॉल को ध्वस्त कर बेसबॉल इंग्लैंड के अटैकिंग क्रिकेट के स्टाइल को कहा। लंच से ठीक पहले आखिरी ओवर की लास्ट गेंद पर अश्विन ने बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड किया। इस विकेट के साथ ही अंपायर ने लंच को डिक्लेयर किया। स्टोक्स 2 रन बना सके। इस पूरी सीरीज में स्टोक्स बल्ले से फ्लॉप ही रहे हैं। ये इस पारी में अश्विन की चौथी बार। इससे पहले जैक क्रॉली 0 रन, बेन डेकेट 2 रन, अश्विन आउट कर चुके हैं। कुलदीप यादव ने जॉनी ब्रेस्टो 39 रन को पवेलियन भेजा था जो काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने रूट के साथ 56 रन की पार्टनरशिप भी की थी। इंग्लैंड को 92 के स्कोर पर चौथा झटका लगा था। कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में अपने पहली ओवर में जॉनी ब्रेस्टो LBW हुए। आउट होने से पहले उन्होंने काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली। यह उनका भी 100वां टेस्ट मैच था। उन्होंने 31 बॉल्स में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 39 रन। भारत की पहली पारी 477 रन पर समाप्त हुई थी। आज भारत ने 8 विकेट पर 473 रन से आगे खेलना शुरू किया और 4 रन बनाने में बाकी 2 विकेट गंवा दिए। कुलदीप यादव 30 रन के रूप में आज भारत को पहला झटका लगा। जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को विकेट कीपर फॉक्स के हाथों कैच कराया। ये उनके टेस्ट करियर का 700। वहीं शोएब बशीर ने बुमराह 20 रन को स्टंप कराया और भारतीय पारी को 477 रन पर समाप्त कर दिया। एंडरसन और हॉटले ने 2-2 विकेट लिए। स्टोक्स ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 200। इस लिहाज से टीम इंडिया की कुल लीड 259 रन की। एंडरसन 700 विकेट लेने के मुकाम को छूने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर और ओवरऑल तीसरे। उनसे ज्यादा टेस्ट विकेट सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट्स और शेन वॉन 708 विकेट्स ने लिए हैं। तो दोस्तों ये था धर्मशाला टेस्ट मैच का पूरा का विश्लेषण टीम इंडिया को जीत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।